शिवपुरी में आईटीआई कार्यकर्ता गौरीशंकर राजपूत द्वारा बताया गया कि शिवपुरी जिले के अंदर पुलिस विभाग में बहुत से लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं जिनके जाति प्रमाण पत्र फर्जी हैं। जानकारी के अनुसार बता दें कि 16 सितंबर 2021 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय शिवपुरी को शिकायती आवेदन दिया गया था, जिसमें कई पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के संबंध में जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति मांगने के लिए सूचना का अधिकार के तहत चाही गई जानकारी मांगी, लेकिन आज दिनांक तक उचित जानकारी मिल पाई है और न ही कोई कार्यवाही हुई है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। सर, आज आप फिर से आज शिवपुरी एसपी ऑफिस पहुँचे हैं, अब क्या कुछ विषय को लेकर आप पहुँचे हैं? मैंने पूर्व जो शिकायत की थी 16/9/21 को, तो उसमें आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने क्या लीपापोती की है या क्या जो भी कार्रवाई की है उसकी जानकारी के लिए आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और मैंने एक आरटीआई का आवेदन यहाँ लगाया है, क्योंकि जो जानकारी इनकी जो द्वारा की गई जाँच के संबंध में मैं अब हाईकोर्ट में जाने की तैयारी है। आपकी बार में टू वारंटो हाईकोर्ट जाऊँगा, उच्च न्यायालय को। आपने कौन सी क्या जानकारी मांगी थी जो अभी तक आपको मुहैया नहीं कराई गई है? नहीं, जानकारी नहीं मांगी थी, मैंने इनकी शिकायत लगाई थी। शिकायत में ये कहा गया था कि कुछ पुलिस विभाग में पदस्थ अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगा कर नौकरी कर रहे हैं, इसके संबंध में मैंने दस्तावेज सहित प्रस्तुत किए थे, दस्तावेज साक्षों के साथ, और लेकिन आज दिनांक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज दिनांक भी ये लोग नौकरी कर रहे हैं। इस संबंध में अब मैंने ये फैसला लिया है कि इनके खिलाफ मैं हाईकोर्ट को वारंट में जाऊँगा। आज आप फिर से आए थे, आज क्या नया विषय था? आज नया विषय ये दोनों चीज़ें हैं कि एक तो जो मैंने जो 16/9/21 को इनके संबंध में शिकायत की थी उसकी जाँच के संबंध में कार्रवाई क्या हुई, उस संबंध में आरटी लगाने आया हूँ, और दूसरा इन लोगों के जो साथी हैं जो लोग मुझसे छूट गए थे जानकारी में, चरण सिंह बाथम, मारा सिंह बाथम, पदमचंद बाथम, शिवदयाल बाथम, गणेश शंकर, योगेश माझी, रमाशंकर बाथम, प्रमोद बाथम, और भी कुछ लोग हैं संदिग्ध, वो मैं आगे जानकारी लेता रहता हूँ, और मेरे गोपनीय कुछ लोग भी हैं जिला शिवपुरी के अंदर उनके द्वारा, क्योंकि इसमें जो पहले शिकायत की थी मैंने दीपक कुमार और दयानंद माझी और क्या नाम उनका, और भी लोग थे नरेश माझी जैसे, और भी कई कर्मचारी थे, और आज दिन तो कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए मैंने ये फैसला लिया है कि अब मैं को वारंटो हाईकोर्ट जाऊंगा। अब क्या आगे की क्या प्रोसेस रही है आपकी? आगे से एक प्रोसेस है कि जैसे ही मुझे जानकारी प्रदान करेंगे इनके संबंध में क्या कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई को लेके मैं न्यायालय के शरण लूंगा, ये मेरा फैसला है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।